तो मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ, और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परिवार और समाज। इससे संबंधित हम एक लेक्चर कल डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम परिवार के जो प्रकार होते हैं और समाज का परिवार से क्या संबंध है, ये हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने टॉपिक से रिलेटेड सभी सामग्री को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। कुछ भी यहाँ हमने आपके लिए छोड़ा नहीं है। सभी बातें जो इस टॉपिक के अंतर्गत आती हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार के जो भेद हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके जो प्रकार हैं समाज से संबंध हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पिछला पार्ट अभी नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देख लें, उसी के आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। परिवार एक छोटा सामाजिक समूह है जिसके अंतर्गत पति पत्नी एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। प्रत्येक मानव समाज में नवजात शिशु के लालन पालन की आवश्यकता होती है। यह लालन पालन माता पिता द्वारा हो या अन्य द्वारा, इससे जुड़े कुछ नियम पाए जाते हैं जो परिवार को एक संस्था का स्वरूप प्रदान करते हैं। संस्था के स्वरूप में परिवार सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि परिवार क्या है, एक छोटी सी इकाई है समाज की, सामाजिक इकाई है, और परिवारों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पति होता है, पत्नी होती है और उनके बच्चे शामिल होते हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें अन्य सदस्य भी रहेंगे, दादा दादी चाचा चाची, इस तरह से। तो प्रत्येक बालक जो है वो, नवजात शिशु जो है वो परिवार में जन्म लेता है और परिवार में ही उसका लालन पालन और पोषण होता है और वो वृद्धि को प्राप्त होता है। तो परिवार एक प्रकार की एक संस्था है और संस्था के रूप में जो परिवार है वो एक सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक, यानी कि सभी समाज में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हर जो देश है, हर प्रदेश है, हर प्रांत है, हर महाद्वीप है और जितना भी पृथ्वी पर यहाँ पर देश हैं वहाँ पर सभी जगह परिवार के नाम की संस्था पाई जाती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ परिवार ना हो। तो ये क्या है? सार्वभौमिक है, मतलब कि सभी जगह पाया जाता है ये स्वरूप परिवार का। अब आगे बढ़ते हैं हम। जीपी मर्डाक ने विश्व के 250 समाजों का अध्ययन कर निष्कर्ष दिया कि परिवार सार्वभौमिक है, फैमिलीज यूनिवर्सल। वही बात यहाँ पर कही गई है कि कोई भी छोटा सा गांव हो या उससे बड़ा नगर हो या शहर हो या फिर शहर से बड़े महानगर हों, और कोई भी राज्य हो, प्रदेश, देश, महाद्वीप या फिर कोई भी दुनिया का क्षेत्र हो, वहाँ पर परिवार पाया जाता है। परिवार के रूप में सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ, इसका स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है, परिवार का प्रकार अलग अलग हो सकता है, परंतु परिवार हर जगह पाया जाता है। इसलिए परिवार क्या है? सार्वभौमिक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। घरेलू परिवार, तो देखिए घरेलू परिवार कौन कहलाता है? जिन समूहों या समाज में बच्चों का लालन पालन माता पिता द्वारा नहीं बल्कि अन्य किसी के द्वारा होता है, उस घरेलू समूह, उसे हम क्या कहते हैं? घरेलू समूह कहते हैं, डोमेस्टिक ग्रुप। मतलब कि बच्चों का जो पालन पोषण है वो परिवार में नहीं होगा बल्कि किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो परिवार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घरेलू परिवार। एग्जाम्पल के तौर पर इसराइल का किबुत्स समुदाय, घरेलू समूह की, इसराइल का एक किबुत्स समुदाय है वो घरेलू परिवार का उदाहरण है। अब समूह की क्या विशेषताएं होती हैं ये इस प्रकार के परिवार में, तो वो भी यहाँ पर दी गई हैं कि संग्रह, संग्रह मतलब कि इकट्ठा करना, जो उस दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, भोजन सामग्री है, उनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? संग्रह। और निर्माण करना और उपभोग करना, ये चीज़ें शामिल की जाती हैं समूह में। संतान उत्पत्ति और बच्चों का समाजीकरण, तो ये चीज़ें समूह के अंतर्गत आती हैं। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता एवं संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल में दंपति एवं उनकी संतान रहती हैं। तो लूसी मेयर ने जो यहाँ पर परिवार की जो परिभाषा दी है वो एकल परिवार की प्रमुख रूप से परिभाषा है, जिसमें माता पिता होते हैं और उनकी संतान होती हैं जो साथ साथ रहते हैं।
मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित तो एक छोटा समूह है जो बच्चों के जन्म और लालन पालन की व्यवस्था करता है। देखिए यहाँ पर मैकाइवर और पेज ने ये स्पष्ट किया है कि परिवार क्या एक छोटा सा समूह है जिसमें यौन संबंधों पर आधारित होता है, माता पिता के द्वारा बच्चों का जन्म होता है और बच्चों के जन्म के बाद उनका लालन पालन पोषण करने की व्यवस्था होती है। काम्टे के अनुसार व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है, यानी कि इन्होंने व्यक्ति को आधार नहीं माना है बल्कि परिवार को ही आधार माना है, किसका? समाज का। मॉर्गन ने उद्विकासीय आधार पर पांच प्रकार के परिवारों की चर्चा की है जिसे वे विवाह के आधार पर व्याख्यायित करते हैं। उनके अनुसार विवाह का आरंभ स्वरूप यौन साम्यवाद का था। इसका तात्पर्य उस समय रक्त संबंधियों में भी विवाह की मनाही नहीं थी, जिसे मॉर्गन समरक्त परिवार से संबोधित करते हैं। उनके अनुसार एक विवाह परिवार के उद्भव की अंतिम अवस्था है। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ये मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। अब मॉर्गन ने जिस पांच प्रकार की चर्चा की है परिवार की, वो पांच प्रकार यहाँ दिए गए हैं। पहला जो परिवार इन्होंने बताया है वो है समरक्त परिवार, दूसरा समूह परिवार, तीसरा है युग्म परिवार, चौथा है पितृसत्तात्मक परिवार और पांचवा है एक विवाही परिवार। तो इनको हम डिटेल से अभी आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम केवल नाम देख लेते हैं कि पांच प्रकार जो मॉर्गन के द्वारा दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। समरक्त परिवार, समूह परिवार, युग्म परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। अब यहाँ पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे दुनिया में जितने प्रकार के परिवार होते हैं और जिस जिस आधार पर इनका विभाजन किया गया है वो हम इस पार्ट में पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार, अगर हम बात करें संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर तो परिवार प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और नाभिकीय परिवार। तो नाभिकीय परिवार को हम एकल परिवार भी बोलते हैं और ये एक ऐसा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं। ध्यान से सुनना है आपको, समझना है। नाभिकीय परिवार या एकल परिवार कौन कहलाता है? जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं। और संयुक्त परिवार कौन कहलाता है? पति पत्नी के साथ में विवाहित बच्चे रहते हों और उनके भी बच्चे हो जाएं। तो इस प्रकार से जब पति पत्नी और बच्चों के अलावा कोई और सदस्य घर पे रहता है, परिवार में रहता है, तो इस प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। बाकी एनालिसिस हम आगे करने वाले हैं डिटेल से, तो यहाँ हम केवल नाम देख लेते हैं। निवास के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा गया है परिवारों को, तीन प्रकार से बांटा गया है, पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार और नव स्थानीय परिवार। तो ये निवास स्थान के आधार पर बांटा गया है। अगर पिता के स्थान पर परिवार रहता है तो वो पितृस्थानीय परिवार होता है, माता के स्थान पर रहता है तो वो मातृ स्थानीय परिवार है और किसी नए स्थान पर निवास करने लगता है परिवार तो उसको बोला जाता है नव स्थानीय परिवार। अधिकार के आधार पर दो प्रकार का परिवार होता है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। जब पिता, जिस घर में पिता या फिर पुरुष ही बड़े निर्णय लेते हैं घर के, तो वो पितृसत्तात्मक परिवार होता है और जहाँ पर माँ या फिर महिलाएं अगर ये अधिकार रखती हैं तो वो मातृसत्तात्मक अधिकार वाला परिवार कहलाता है। वंश नाम के आधार पर भी दो प्रकार का परिवार होता है, पितृवंशीय और मातृवंशीय। अगर पिता के वंश पर परिवार चल रहा है तो वो पितृवंशीय होता है और माता के वंश पर चल रहा है तो वो मातृवंशीय होगा। विवाह के आधार पर भी दो प्रकार के परिवार होते हैं, एक विवाही और बहुविवाही। एक विवाही का मतलब है पति या फिर पत्नी जो है, या फिर ऐसा कहें कि पुरुष या महिला है, वो एक ही शादी करें, एक से ज़्यादा उनके पति या फिर पत्नी ना हो तो वो एक विवाही परिवार होता है। और जब एक से ज़्यादा विवाह स्त्री या पुरुष करते हैं तो इस प्रकार के जो परिवार होते हैं वो बहुविवाह परिवार कहलाते हैं। अब हम डिटेल से यहाँ पर समझेंगे बारी बारी से सभी परिवारों को जो हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। संयुक्त परिवार, तो इस परिवार में अनेक पीढ़ियों के रक्त संबंधी एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई होती है। पितृ पूजा एवं संयुक्त संपत्ति इसकी विशेषता है। परिवार का एक मुखिया होता है जिसके द्वारा सदस्यों में सामंजस्य बना रहता है। परिवार में मुख्य रूप से यह परिवार भारत में मुख्य रूप से यह परिवार पाया जाता है।
संयुक्त परिवार कौन कहलाता है? संयुक्त परिवार को समझने से पहले हम एकल परिवार को समझ लें कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता यानी कि पति पत्नी और उनके अविवाहित तो बच्चे रहते हों वो एकल परिवार है। लेकिन उन अविवाहित तो बच्चों की अगर शादी हो जाती है, वो विवाहित हो जाते हैं, तो उसके बाद जो परिवार बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। तो आपको अच्छे से याद रखना है, डंकन मिचेल के अनुसार संयुक्त संपत्ति के साथ जब कर्ता की उपस्थिति तथा पितृ पूजा की विशेषता जुड़ जाती है तो वह परिवार संयुक्त परिवार में बदल जाता है। संयुक्त परिवार के लाभ क्या हैं तो देख लेते हैं। लाभ, यह परिवार के सदस्यों को मिलनसार बनाता है। काम विशेषकर कृषि कार्य को बांटकर किया जा सकता है। तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, परिवार के रूप में हिलमिल जाते हैं और उनमें एक दूसरे के रूप में मिलनसार होने की भावना पाई जाती है। जो काम है वो भी बट जाता है, जो कृषि संबंधी कार्य हैं वो भी बट जाते हैं और किसी एक पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। यह परिवार में बूढ़े असहाय व बेरोजगारों की देखभाल करता है। इसके अलावा छोटे बच्चों का लालन पालन भलीभांति होता है, विशेषकर जब दोनों माता पिता काम काजी हों। ऐसा देखने में आता है कि माता पिता तो काम के लिए बाहर चले जाते हैं, तो पर जो छोटे बच्चे हैं उनका लालन पालन कौन करेगा? तो घर पर अगर बूढ़े दादा दादी या फिर और कोई व्यक्ति होता है तो वो अच्छी तरह से भलीभांति उनका पालन पोषण कर सकता है। माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चे को संयुक्त परिवार में पूरा भावनात्मक वह आर्थिक सहारा मिलता है। तो माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर वो बालक अनाथ हो जाता है, परंतु उसके परिवार में और लोग हैं, संयुक्त परिवार है, तो इस वजह से उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता रहता है आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से। इसके अलावा संयुक्त परिवार में आर्थिक सुरक्षा अधिक रहती है। संयुक्त परिवार की कुछ समस्याएं भी हैं। कभी-कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है। ये कुछ समस्याएं दी गई हैं कि महिलाओं को उतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पाता है जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा अक्सर सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर या किसी व्यापार को लेकर विवाद उठ खड़ा होता है, तो ये एक बहुत जटिल समस्या है जो यत्र तत्र देखी भी जाती है कि अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें कामकाज और संपत्ति है उसके बंटवारे को लेकर थोड़ा विवाद रहता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है, उनको अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कम समय व अवसर मिलता है। तो अगर ज्वाइंट फैमिली है तो कुछ महिलाओं को ज़्यादा काम करना पड़ता है और कुछ थोड़ा काम से जी चुरा सकते हैं, काम ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इस तरह से वो जो ज़्यादा काम करने वाले महिलाएं हैं उनको अपना पर्सनल जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में समय कम मिल पाता है। तो ये कुछ समस्याएं थीं जो कि संयुक्त परिवार में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं नाभिकीय परिवार या फिर एकल परिवार। नाभिकीय का मतलब है नाभिक, और नाभिक मतलब होता है केंद्र बिंदु। तो जो परिवार एक केंद्र के रूप में ही सिमट कर रहता है, यानी कि उसमें पति पत्नी होंगे और अविवाहित बच्चे होंगे, तो इस प्रकार के जो परिवार है संकुचित परिवार उनको क्या बोला जाता है? नाभिकीय परिवार या एकल परिवार। तो यह परिवार पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से मिलकर बना होता है। जैसे ही बच्चों की शादी हो जाती है यह संयुक्त परिवार में बदल जाता है। पश्चिम के देशों जैसे कि यूरोप के सभी देश, अमेरिका आदि में मुख्य रूप से यही परिवार पाया जाता है। भारत में भी जीविकोपार्जन के लिए शहरों में बसे लोगों में यह परिवार पाया जाता है। तो हर जगह इस तरह के परिवार आपको देखने को मिल जाएंगे जो एकल परिवार होते हैं। एकल परिवारों की समस्याएं क्या हैं वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। एकल परिवारों में नवविवाहित दंपति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता, उन्हें सलाह देने के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता, और जब माता पिता दोनों ही कामकाजी हों तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता। ये जनरली हर घर में समस्या रहती है जो एकल परिवार होते हैं। वहाँ पर अगर नवविवाहित दंपति है तो अब चूंकि उन्हें ज़्यादा दुनियादारी का नॉलेज होता नहीं है, ना ही संस्कृति का, ना ही रीति रिवाज का, और घर पर बुजुर्ग नहीं हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस तरह से हमें कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें सही सलाह देने वाले अनुभवी व्यक्ति का अभाव रहता है, और अगर माता पिता दोनों कामकाजी हों, दोनों काम करने के लिए जाते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता। ये एकल परिवार की एक जटिल समस्या है। इसके अलावा बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक व भावनात्मक सहारा नहीं रहता। एकल परिवारों में सामंजस्य, मिलजुल कर काम करना
व सहयोग के मूल्य मुश्किल से ही सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एकल परिवार है और परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या फिर बड़े लॉस में चला जाता है किसी बिजनेस में, तो फिर आर्थिक और भावनात्मक सहारा नहीं रहता है, किसी का सपोर्ट नहीं रहता है। और जो एकल परिवार होते हैं उनमें सामंजस्य और मिलजुल कर काम करना और सहयोग के मूल्य मुश्किल से ही सीखने को मिलते हैं। अब बाकी जो परिवार होते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, उनको हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो स्थान के आधार पर हमने तीन प्रकार के परिवार ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार और नव स्थानीय परिवार। तो पितृ मतलब कि पिता, तो ऐसा परिवार जो विवाह के उपरांत पति के परिवार के साथ रहता है, यानी कि अगर किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल में रहती है, मतलब कि पति के परिवार के साथ रहती है, तो उसे पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। क्योंकि अब जो लड़की जिसकी शादी हो चुकी है वो ससुराल में आ चुकी है, तो उसके पति के पिता ही उसके खुद के पिता कहलाते हैं, जिनको वो ससुर के रूप में मानती है। तो ये परिवार अगर अपने पिता के साथ या अपने ससुर के साथ रहता है तो पितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। भारत में मुख्य रूप से यही परिवार पाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर मातृ स्थानीय परिवार भी देखने को मिलता है। तो जहाँ विवाह के उपरांत जब वैवाहिक जोड़ा पत्नी के परिवार के साथ रहता है, मतलब कि जो लड़का है वो शादी के बाद अपने ससुराल में रहता है, तो उसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। जैसे केरल में नायर में इस प्रकार का जो परिवार है वो पाया जाता है। इसके अलावा नव स्थानीय परिवार, तो नव मतलब कि नया स्थान, अगर परिवार पिता और माता के साथ नहीं रहता है, किसी नए स्थान पर जाकर रहने लगता है, तो इस प्रकार का जो परिवार होता है वो नव स्थानीय परिवार कहलाता है। विवाह के उपरांत जब वैवाहिक जोड़ा पति या पत्नी में से किसी के परिवार को ना चुनकर एक नए स्थान पर रहता है, तो इसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। अब सत्ता या अधिकार के आधार पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो दो प्रकार के परिवार थे, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृ यानी कि पिता, जहाँ पिता या फिर पुरुष की सत्ता चलती हो, ऐसे परिवार को क्या बोला जाता है, पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसा परिवार जिसमें पुरुष या पति का आधिपत्य यानी कि अधिकार रहता है, पारिवारिक निर्णय में पुरुष की ही मुख्य भूमिका रहती है। और भारत में मुख्य रूप से यह परिवार पाया जाता है, पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है भारत में। इसके अलावा मातृसत्तात्मक परिवार भी होता है, ऐसे परिवार में स्त्रियों का पुरुषों पर आधिपत्य रहता है, परिवार की समस्त बागडोर स्त्री के हाथ में होती है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तराई क्षेत्रों में रहने वाली थारू जनजाति इसका उदाहरण है। तो ये मातृसत्तात्मक परिवार होता है। अब अगर वंश परंपरा के आधार पर हम बात करें तो भी दो प्रकार का परिवार होता है, पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। पितृ यानी कि पिता, पिता के वंश पर परिवार चलता है, तो वह पितृवंशी परिवार होता है। वह परिवार जिसमें बच्चों का वंश नाम एवं संपत्ति पिता के वंश से प्राप्त होता है, तो ऐसे परिवार को पितृवंशीय परिवार कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से यह परिवार पाया जाता है। इसके अलावा मातृवंशीय परिवार भी होता है, जब बच्चों के वंश का नाम माता के वंश के आधार पर होता है, तब ऐसे परिवार को मातृवंशीय परिवार कहते हैं। केरल के नायरों में यह परिवार पाया जाता है। अब विवाह के आधार पर हम बात कर लें तो परिवार का जो पहला प्रकार है विवाह के आधार पर, वो है एक विवाही परिवार, यानी कि एक ही विवाह किया जाता है पुरुष या स्त्री के द्वारा। तो एक समय में पुरुष के एक पत्नी या फिर स्त्री के एक ही पति हो, तब ऐसे परिवार को एक विवाही परिवार कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से यही परिवार पाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर बहुविवाही परिवार भी पाया जाता है, बहुपतिक परिवार या फिर बहुपत्नीक परिवार के नाम से होते हैं ये परिवार। इसमें क्या होता है कि कोई स्त्री या फिर पुरुष एक से ज़्यादा जीवन साथी के द्वारा परिवार का निर्माण करते हैं, मतलब कि स्त्री की जो शादी होगी वो एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ हो जाती है, तो ये बहुपतिक परिवार कहलाता है। इसके अलावा अगर पुरुष की शादी एक से ज़्यादा लड़कियों से हो जाती, स्त्रियों से हो जाती है, तो बहुपत्नीक परिवार कहलाता है, तब उसे बहुविवाही परिवार कहते हैं। अब कुछ जनजाति हैं जैसे कि टोडा, खस, कोटा, इन जनजातियों में बहुविवाही परिवार की प्रथा चलन में रहती है। तो अब देख लेते हैं रचना के आधार पर लॉयड वार्नर ने परिवार को दो भागों में विभाजित किया है, जन्म का परिवार और जनन का परिवार।
एंडरसन ने वार्नर की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसका जन्म का परिवार होता है, तथा विवाह एवं संतानोत्पत्ति के द्वारा जिस परिवार का निर्माण करता है वह उसका जनन का परिवार होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर व्यक्ति जिस परिवार में जन्म ले रहा है तो वो उसका जन्म का परिवार होगा, इसके अलावा विवाह के बाद संतान की उत्पत्ति जिस परिवार के द्वारा वो करता है वो परिवार क्या कहलाता है, जनन का परिवार। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में दो और प्रकार के परिवार के रूप दिखाई देते हैं, वो क्या क्या हैं, विस्तारित परिवार। विस्तारित मतलब कि विस्तृत होता है, बड़ा होता है, यह कई नाभिकीय परिवारों का समूह होता है। इसमें निवास स्थान तो एक ही रहता है लेकिन भोजन के लिए रसोइयाँ अलग अलग रहती हैं, जैसे संयुक्त परिवार से हाल ही में अलग हुए कई परिवार। देखने में आता है कि एक घर में जैसे कि तीन भाई और उनकी अलग अलग पत्नियां हैं, तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक ही घर में अलग अलग उनका रसोई हो जाता है, अलग अलग खाना बनने लगता है। तो चूंकि परिवार तो एक ही है, एक ही घर में रह रहा है, लेकिन उनकी रसोइयाँ अलग अलग हैं, भोजन अलग अलग बन रहा है, तो इस प्रकार के जो परिवार हैं उनको क्या बोला जाता है, विस्तारित परिवार। गृहस्थ परिवार या गृहस्थ समूह, यह एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो एक ही निवास स्थान में रहते हैं, आपस में रक्त या विवाह संबंधी होते हैं। यद्यपि एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनके नातेदार नहीं होते हैं, जैसे किसी परिवार में दूर का कोई रिश्तेदार या नौकर स्थायी रूप से रहता हो। तो अगर कोई परिवार है उसमें बाहर का कोई थर्ड पर्सन रहता है, नौकर रहता है या कोई रिश्तेदार भी रहता है, तो इस प्रकार का परिवार कहलाता है गृहस्थ परिवार या फिर गृहस्थ समूह। तो ये कुछ एनालिसिस था परिवार का, परिवार के जो प्रकार हैं वो हमने डिस्कस किए अलग अलग प्रकार से। अब हम आते हैं समाज पर, चूँकि अपना जो टॉपिक है पहला वो है परिवार और समाज, तो अब परिवार के बाद हम समाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो समाज क्या कहलाता है, परिवारों से मिलकर जो संगठन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समाज। मतलब कि परिवार एक छोटी इकाई है और उसकी बड़ी इकाई क्या है, समाज। कई परिवारों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। परिवार समाज की एक इकाई है। एक प्रकार के समाज में खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं प्रायः एक ही प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि किसी भी अगर हम समाज की बात करें तो एक प्रकार का वो समाज है, जाति के आधार पे भी समाजों का डिवाइडेशन हुआ है। तो जैसे कि हिंदू समाज है या फिर मुस्लिम समाज है या सिख समुदाय होता है, कोई भी समाज है उसमें खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं और जो प्रथाएं हैं वो एक समाज के सभी परिवारों में लगभग एक जैसी देखने को मिलती हैं। वर्तमान में बदलते आर्थिक परिवेश और सामाजिक संदर्भों में समाज नए प्रकार से भी संगठित हो रहे हैं। इन परिवर्तनों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका उद्देश्य सामाजिक रीति रिवाजों में आ गई कुरीतियों को दूर करना है। वर्तमान में नागरिक समाज के लोग अपने आप को संगठित कर एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। मतलब कि अब वो भेदभाव ज़्यादा नहीं रह गया है, सभी एक साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बोलचाल करते हैं और संगठित होकर एक मंच पर वो आना शुरू हो गए हैं। वे शिक्षा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह नवीन सामाजिक प्रवृत्ति का परिचालक है। ऐसे संगठित समाज के लोगों ने अपने समाज के नियमों का भी निर्धारण किया है और सामाजिक क्रियाकलापों द्वारा वह समाज के सदस्यों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। इसके अलावा मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में रहता है और समाज से पृथक रहकर वह अपने तथा अपने सामाजिक हितों की रक्षा नहीं कर सकता। यदि मनुष्य मनुष्य की भांति रहना चाहता है तो उसे अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति समाज के टच में नहीं रहता है, समाज से जुड़कर नहीं रहता है, वो अलग थलग पड़ जाता है और ऐसा लगता नहीं है कि वो इस इकाई का कोई सदस्य हो। तो यही बात कही गई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज के साथ चलना चाहिए, समाज के नियमों का पालन करना चाहिए और उसे अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। सामाजिक संबंध क्या हैं? तो सामाजिक जो संबंध होते हैं, समाज के जो परिवार हैं या व्यक्ति हैं
उनके एक दूसरे के साथ जो अच्छे संबंध होते हैं उनको हम सामाजिक संबंध बोल सकते हैं। परंतु यदि कोई दो व्यक्ति हों जैसे कि, और वो रेलगाड़ी में एक दूसरे के साथ यात्रा कर रहे हैं या फिर बस में साथ साथ यात्रा कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इतने मात्र से सामाजिक संबंध नहीं बन जाते हैं, या कुछ देर का संपर्क मात्र है। यदि संपर्कों को बढ़ाया जाए, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ जाए तथा संपर्कों को किसी प्रकार का स्थायी आधार दिया जाए और इनका निर्वाह भी किया जाए, तो सामाजिक संबंधों की स्थापना हो सकती है। तो सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए और हिलमिल कर और संगठित होकर रहना चाहिए, तभी हम सामाजिक संबंध अच्छे और मधुर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि समाज बनता कैसे है, समाज का निर्माण कैसे होता है। तो समाजशास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। बिल्कुल सही बात है, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल। वास्तव में अनेक परिवारों के आपसी संबंधों से समाज का निर्माण होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः वह परिवार व समाज दोनों से जुड़कर रहता है। व्यक्ति के जीवन में विवाह हेतु उचित साथी का चुनाव तथा विवाह के बाद बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना आदि की चिंताएं सामने रहती हैं। समाज के सदस्य एवं उसके पारिवारिक मित्र आदि इन समस्याओं को सुलझाने में अपनी राय भी देते हैं। एक उन्नत समाज में व्यक्तियों की आपस में निर्भरता, साथ साथ कार्य करने की भावना, व्यक्तिगत विचारों का सम्मान और सामाजिक घटना का सही गलत विश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। यहाँ यह ये बात स्पष्ट कही गई है कि अगर व्यक्ति जो है वो समाज से जुड़कर रहता है तो समाज उसका सहयोग करता है। मान के चलिए कि कोई बालक का जन्म हुआ है किसी परिवार में, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि परिवार ही उसको पूर्ण रूप से विकसित बना दे। समाज की भी आवश्यकता होती है, उसको स्कूल से जाना पड़ता है या मित्रों के साथ दोस्ती करना पड़ती है, खेलने के लिए वो बाहर निकलता है। तो समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध होना चाहिए जिससे कि वो अपना अच्छे से विकास कर सके और एक सामाजिक प्राणी बन सके। समाज के सदस्य एवं उसके पारिवारिक मित्र आदि इन समस्याओं को सुलझाने में अपनी राय भी देते हैं। तो ये बात हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षित समाज अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे कि कम उम्र में विवाह, अधिक संतानों का होना, बच्चों को प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा ना दिलाना जैसी बुराइयों पर नियंत्रण लगा सकता है। जो उन्नत समाज होता है उसकी बात यहाँ पर कही गई है कि एक उन्नत समाज में व्यक्तियों की आपस में निर्भरता होती है, वो साथ साथ कार्य करने की भावना रखते हैं, वो व्यक्तिगत विचारों का सम्मान करते हैं और सामाजिक घटना का सही गलत विश्लेषण करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। किसमें? एक उन्नत समाज में। तो जैसे कि अगर अपने देश में ही हम बात करें तो जो समाज ज़्यादा उन्नत हैं, प्रगतिशील हैं, उनमें ये पाया जाता है कि व्यक्तियों में निर्भरता, आपस में निर्भरता होती है, साथ साथ वो कार्य करने की भावना उनमें पाई जाती है, व्यक्तिगत विचारों का, एक दूसरे के विचारों का सम्मान भी वो करते हैं और सामाजिक घटना का सही गलत विश्लेषण सही समय पर करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। शिक्षित समाज अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे कि कम उम्र में विवाह, अधिक संतानों का होना, बच्चों को प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा ना दिलाना जैसी बुराइयों पर नियंत्रण लगा सकता है। तो समाज का शिक्षित होना बहुत बहुत आवश्यक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो जो है अपने मित्रों को आगे शेयर करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।